देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव मुगरबा में गत दिनों पूर्व हुई बारिश के कारण भारी जलभराव हो गया है। जलभराव से ग्रामीणों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी के नगर अध्यक्ष मुगरबा रोड पर पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लेते हुए नगरपालिका को सूचना दी। मौके पर नगरपालिका के स्वास्थ्य लिपिक और एसआई पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य लिपिक विकास चौधरी ने बताया कि ये समस्या पहले भी यहां पर हुई है और काफी बारिश होने के कारण यहां पर जलभराव हुआ है और इसका जो मुख्य कारण है वह है गाँव देहात से जो पानी शहर में आ रहा है। इसका मुख्य कारण एप्को भी है। उन्होंने बताया कि एप्को ने जितने भी नाले रोड पर बनाए हुए हैं वह बहुत ऊंचा उठाकर बनाए हुए हैं जिस कारण पानी नीचे है और जो पानी नाले तक नहीं पहुँच रहा है और चारों तरफ से पानी आ रहा है। लगातार बारिश होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने बताया कि आपको को हम कई बार लिखित भी दे चुके हैं और मौखिक भी कह चुके हैं, इसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा है, ये समस्या पहले भी हुई थी और फिलहाल ज्यादा बारिश होने के कारण जब यहाँ पे जल भरा हुआ और इसका जो मुख्य कारण है गाँव देहात से जो पानी शहर में आ रहा है, चाहे वो मुगरबा रोड हो चाहे वो इंदरपुर रोड हो, चारों तरफ से देहात का पानी भी शहर में आ रहा है। उसका जो मुख्य कारण है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो एप्को के कारण हो रही है। एप्को ने जितने भी नाले रोड पर बनाए हैं वो बहुत ऊंचे उठा के बनाए हैं और पानी डाउन है, पानी नीचे है, जो पानी वहाँ पे जा नहीं पा रहा है और चारों तरफ से पानी आ रहा है और पानी इसलिए निकल नहीं रहा, लगातार बारिश हो रही है। और एप्को को हमने बार बार कई बार लिखित भी दे चुके हैं, मौखिक भी कह चुके हैं, उनकी तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। हमने अपनी तरफ से इसमें जेसीबी लगाकर जहाँ ब्लॉकेज थी वो हमने नाले जो कच्चा था नाला वो हमने खुदवा दिया है और खुदवा के हमने पंपिंग सेट से भी पानी निकलवाया है और जहाँ कहीं कूड़ा करकट था वो सफाई करा दी है। जो नगर पालिका का जिम्मेदारी थी वो हमने कर दी है। बहुत जल्दी अब एप्को को बुलाया जा रहा है, एप्को वालों से बात की जाएगी कि इसमें एक चैम्बर बनाया जाए जो जिससे पानी जो है ये जो मतलब नाला ऊपर है इनका और हमारा जो पानी इधर से आ रहा है देहात का ये मतलब डाउन है, ये पानी उतर जाए तो उनको बुलाकर जल्दी इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें दो तीन कारण हैं। जो सबसे पहले तो जो प्लॉटिंग हुई है पिछली तरफ, उन्होंने प्लॉटिंग वालों ने प्रॉपर्टी डीलर ने नाले बंद कर दिए हैं प्लॉटिंग के चक्कर में। दूसरा, जो एप्को ने सड़क बनाई है, जो नाला बनाया है, उन्होंने जो चैम्बर बनाए हैं चैम्बर का लेवल ऊंचा कर दिया है और पिछले पानी का लेवल नीचा है, इस कारण से यहाँ पानी भरा हुआ है। नगर पालिका के मेरे अधिकारी आए हुए हैं, मैंने उन्हें बुलाया है। वह तीन दिन से उन्होंने पंपिंग सेट लगाया हुआ है, जेसीबी लगाई हुई है, नाले की सफाई चल रही है, पानी का जो चैम्बर था वो तोड़ के पानी जा रहा है और हर संभव प्रयास जिससे निकासी जल्दी हो जाए कर रही है नगर पालिका।